सोनिहाल। आओ जी बीबी जतेंद्र कौर जी होना दे पासों आप जी विचार सरवण करो अद्धे घंटे वास्ते जी। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जुगो जुग अटल चवर छत्र दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी सात संगत जी फतेह दी सान पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा जवाहर दास जी की याद विच प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वड्डा उपराला गुरमत समागम उलीकिया गया है सात संगत जी, जिथे गुरबाणी कीर्तन दा आनंद लै रहे हो सात संगत जी। हुण प्रबंधक कमेटी वालों मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि आप सारिया के सन्मुख अपनिया कवितावां अपनिया रचनावां तरन्नम विच आप सारिया के सन्मुख रखा आप सारिया नाल सांझियां करा। सात संगत जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद है। आप सारिया संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। सात संगत जी ये वो स्थान है जिथे महापुरखा ने इस लोकाई में तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया उन्हां दी उस्तत करन लई प्रेरिया। सात संगत जी ते मैं अपने आप नूं वडभागी समझदी हां कि गुरु साहिब दी मेरे ते अपार कृपा है कि जिथे मैं कीर्तन हाजरी भरदी हां रागी जथा है उत्थे मैं कवि दरबारां विच भी कवितावां दी सांझ पाउंदी हां सारियां संगतां दे नाल। ते आओ हाजरी भरन जा रही हां असीस बख्शना सात संगत जी एक जोधड़ी एक अरजोई दे नाल आरंभता करना चाहवांगी। सात संगत जी सो असीस बख्शना। असी तेरे निमाने गरीब ख्याल रखी ना तू विसरी ते ना विसारी सानू सदा अपने चरणा दे नाल रखी। साडी दिलां विच कदे ना बुझण वाली साडे दिलां विच कदी ना बुझण वाले साडे दिलां विच कदी ना बुझण वाले दीवे प्रेम प्यार दे बाल रखी। कलयुग कुफर दे काले हनेरियां विच थिड़क जाइए ना सानू
संभाल रखी तू वडियाई तेरी तू समरथ वडा मेरी मत थोड़ी किस तरह करा वडी वडियाई तेरी सिर निवा के साजन संसार आखे नानक पातशाह तन कमाई तेरी सिर निवा के साजन संसार आखी नानक पातशाह तन कमाई तेरी। गुरु प्यारी सात संगत जी, यह जिहड़ी फुलवाड़ी बैठी हुई है सतसंग जी, ये तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की फुलवाड़ी है। गुरु नानक नाम लेवा संगत इस समय गुरु पातशाह दी निघी गोदा आनंद माण रही है। ते मैं उस स्थान तो आई हाँ जिथे गुरु नानक पातशाह दी दसवीं जोत तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी। जिथे तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के पिता जी ने जेड़ा शहर जेड़ा पिंड वसाया श्री आनंदपुर साहिब, उस स्थान तो सतसंगत जी आप सारे दर्शन कर आई हाँ। तो मैं कहनी हूँ कि पूरा इतिहास पढ़िए, इतिहास ना जुड़ना बहुत जरूरी होंगे सतसंग जी। इतिहास पढ़े बगैर सानू जानकारी नहीं होंगी, कुछ जानकारी असं सुन के लेने हैं पर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कलगीधर पातशाह जी का जीवन 42 बरस लिखा गया है। इन्नी छोटी आयु विच तन तन कलगीधर पातशाह जिथे एक महान योद्धे सन, महान संगीतकार सन, जिथे महान लिखारी सन, कवि सन साहिबे कमाल, जिथे तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अमृत दे दाते सन, उत्थे उन्हां दियां वडियाइयां विच जिहड़े अखर लिखने या बोलने बहुत एक निक्का जिहा काम है सतसंगत जी, साडे बस दी गल नहीं है। ते मैं अक्सर कहती हूँ इन्नी छोटी उम्र और एडे वड्डे वड्डे काम जो गुरु साहिब साडे लई कर गए हैं, सरबंस दानी सरबंस वार दिता साडे वास्ते, ते उन्हां नूं याद करना उन्हां दे दसे हुए राह ते तुरना साडे लई बहुत बहुत अत्यंत जरूरी है सतसंगत जी। एक रचना उपकार कलगियां वाले दे आप जी नाल सांझी करांगी, एक शेर तो हाजरी पन जा रही हाँ कि सीने अपने विच दसमेश जी ने, सीने सीने अपने विच दसमेश जी ने, सीने अपने विच दसमेश जी ने दुखिया ले अथा प्यार रखिया, कर लखा बेकरा दे रखने ले अपना कर रखिया ना परिवार रखिया। सतसंग जी जिथे कोई लाइन वधिया लगी उथे जकारे दी सान जरूर पायो,
क्योंकि जिहड़ा जकारा है वह कवि दरबारा की शान हुंदी है। तन तन कलगीधर पातशाह पौंटा साहिब की धरती से जिथे कवि दरबार सजाते सन उथे आप जकारे लाते सन। सात संगत जी शेर सुनना जी। सीने अपने विच दसमेश जी ने दुखिया ले अथाह प्यार रखिया, कर लखा बेकरां दे रखने ले अपना कर रखिया ना परवार रखिया। कलगी वालिया कलगी वालिया इक ते रख लेंदो, ना अजीत रखिया ना जुझार रखिया, ऐ परवार नैना दे चार तारे पंथ खालसा त्यार बर त्यार रखिया। दुखां दर्दां दी सूल सुराही विच्चों, दुखां दर्दां दी सूल सुराही विच्चों जाम पी गया खंजर प्यालियां दा। मेरा दी मेरा देश नी कर्जा उतार सकदा, तेरे चरणा च पए हुए छालियां दा, तेरे चरणा च पए हुए छालियां दा। सुसाध संगत जी उपकार कलगियां वाले दे यह रचना आप जी नाल सांझी करन जा रही हां। कलगीधर पातशाह दी प्रतिभा नूं समर्पित यह रचना है। सो असीस बख्शना जी। कोई मुल नहीं तारिया जा सकदा, कोई मुल नहीं तारिया जा सकदा, कलगी तर दे उपकारां दा। कोई अंत नहीं पारावार नहीं ओदी रहमत दे भंडारां दा। कोई मुल नहीं तारिया जा सकदा। जद देश ते चखड़ चुलिया सी मुगला दे हत्याचारा उस कठने समय चन गुजरेदा बनिया दर्दे दुखिया रादा। उस कठने समय चन गुजरेदा बनिया दर्दे दुखिया रा बनिया दर्दी दुखिया रादा। कोई मुल नहीं तारिया जा सकदा, कलगी तर दे उपकारादा। कोई अंत नहीं पारा वारे नहीं ओदी रहमत दे पंडा। कोई मुल नहीं तारिया जा सकदा।
बहुत बहुत धन्यवाद सात संगत जी। एक जकारा जे बीबियां वालों भी आ जाए सात संगत जी तो उत्साह मेरा वज जाए। कोटानकोट धन्यवाद सात संगत जी। ये जो जकारा तुसी लाया है ना ये तन तन कलगीधर पातशाह के चरणों में लगा है। मन दियां मुरादां आप जी नूं जो गुरसिखी चाहिए इत्थे अरदास करके जाओ इत्थों ही प्राप्त होना सात संगत जी। आओ सात संगत जी अगले बंद नाल जुड़ना करिए जी। वर के इतिहास दे दस देने कलगी तरदा कोई सानी नहीं। वर के इतिहास दे दस देने कलगी तरदा कोई सानी उस वर्गा संत सिपाही नहीं त्यागी सरबंस ददानी नहीं। उस वर्गा संत सिपाही नहीं त्यागी सरबंस ददानी नहीं। त्यागी सरबंस ददानी नहीं त्यागी सरबंस दादानी नहीं। ओदी कृपा नाल है नाम उच्चा ओदी कृपा ओदी कृपा सदके नाम उच्चा साडे सिर सजियां दस्तारां दा कोई मुल नहीं तारे आ जा सकदा। कलगी तर दे उपकारा दा कोई अंत नहीं पारा वार नहीं। उदी रहमत दे पंडारा दा कोई मुल नहीं तारे आ जा सकदा। कोटानकोट धनबाद सात संगत जी। सात संगत जी कलगीधर पातशाह सानू फुरमान की करके गए हैं सुनना जी। फुरमान कलगियां वाले दा शुभ कर्मन ते कब होना डरो ना डरो वरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो वरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करूं उन्हें तेग दी कलम बना लिखिया उन्हें तेग दी कलम बना लिखिया। पर संग चंडी दियां वारां दा कोई मुल नहीं तारे आ जा सकदा। कलगी तर दे उपकारा दा कोई मुल नहीं तारे आ जा सकदा। सत्संग जी काबिले गौर बंद है तेरे अमृत दी अपनिया सुरतियां बिरतियां केसगढ़ के दीवान से लै जाए सात संगत जी। 1699 की विसाखी से लै जाए। तेरे अमृत दी तन शक्ति ने गिदड़ा तो शेर बना दिते चिड़ी
ਮੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠਾਂ ਸੰਗ ਰੰਗ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠਾਂ ਸੰਗ ਰੰਗ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਠਾਂ ਸੰਗ ਰੰਗ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਏ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਚਮਕੌਰੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚ ਦੋ ਲਾਲੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚਮਕੌਰੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚ ਦੋ ਲਾਲੇ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸਾਜਨ ਕਰ ਗਏ ਓ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਮਸਾਂਦਾ ਸਮਾਧਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ
सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ओ ग्रंथ। यह हुक्म है कलगिया वाले दा, यह हुक्म है बाजा वाले दा, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ओ ग्रंथ। साध संगत जी, एक छोटी जी रचना। मैं 5 मिनट, मेरा समा लेट होया सी स्टार्ट सर, 5 मिनट होर लवांगी सिर्फ। संगति रूप च आप विराजमान हो, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित एक छोटी जी रचना आप जी दे साथ नाल साथ संगत जी। यह रचना हुण मैं गाउण दी कोशिश करांगी कि साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना। साध संगत जी रचना पवित्र करना तुसीं। साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना, तन तन शब्द गुरु अवतार तेरी महिमा अपर अपार, तन तन शब्द गुरु अवतार तेरी महिमा अपर अपार। साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं दसा गुरुआं दी जोत नूं डंडौत वंदना, नाम बाणी दे सरोत नूं डंडौत वंदना, दसा गुरुआं दी जोत नूं डंडौत वंदना, नाम बाणी दे सरोत नूं डंडौत वंदना, साडी किरपा निधान नूं डंडौत वंदना, कला तार मेहरबान नूं डंडौत वंदना, कलाकार मेहरबान नूं डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना। गुरु पातशाह जिना ते मेहरबान हो गए, सेई दरगाह दे विच परवान हो गए। गुरु पातशाह जिना ते मेहरबान हो गए, सेई दरगाह दे विच परवान हो गए। सबे कारज सुहेले आसा होण पूरियां, तेरे चरणा च आके मुक जान दूरियां, तेरे चरणा च आके मुक जान दूरियां। तू किरपालू किरपातार, तू गुरु नानक तू निरंकार, तू किरपालू किरपातार, तू गुरु नानक तू निरंकार, तेरे दर्शन दीदार नूं डंडौत वंदना, तेरे दर्शन दीदार नूं डंडौत वंदना। साडी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डंडौत वंदना। आखरी बंद है सत्संग जी। तेरी बाणी नाल जिना नूं प्यार हो गया, तेरी बाणी नाल जिना नूं प्यार हो गया, बेड़ा उना दा जहान विच्चों पार हो गया। तेरे दरों जुगत मुक्त नामदान मिलदा, अग्ञानियां नूं इत्थों ब्रह्म ज्ञान मिलदा, अग्ञानियां नूं इत्थों ब्रह्म ज्ञान मिलदा। तू गुर पूरा तारनहार, तू गुर शब्द सवारनहार, तू गुर पूरा तारनहार, तू गुर शब्द सवारनहार, ऐसे निरपौ निरंकार नूं
डंडौत वंदना, ऐसे निरभउ निरंकार नू डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नू डंडौत वंदना, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नू डंडौत वंदना, तन तन शब्द गुरु अवतार तेरी महिमा अपरे अपार, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नू डंडौत वंदना जी, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नू डंडौत वंदना जी, साडी गुरु ग्रंथ साहिब नू डंडौत वंदना, डंडौत वंदना, डंडौत वंदना। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਧਾਰੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:15 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਥੇ ਜੋ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਸੰਕੋਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਕੋਚੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ, ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ
ते आप जी समूह संगतां नूं भी बेनती है कि गुरु चरणां विच आ करके पधारन, क्योंकि हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब जी तो पाई साहिब भाई कारज सिंह जी पधार चुके हैं, उन्हां दा समां है। सो आओ सरवण करिए बोले।